हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दशरथ है और आज आप सभी को बताऊंगा कि जियो का एक न्यू फ़ोन आ चुका है हमारे पास। देख सकते हैं जियो का LS2402 ब्लैक, ठीक है। इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, तो इसको आज मैं बाईपास करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह इसको बाईपास करते हैं, ठीक है। ये जो मोबाइल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डाउन और ये रेड, ये डाउन और ये रेड को एक ही साथ आपको दबाना है इस तरह से, ओके। जब तक कि जियो का लोगो नहीं आता है तब तक दबा के रखना है, ओके। और जियो का लोगो आने के बाद छोड़ देना है आपको, सो यहाँ पर इसको दबाने के बाद इसको दबाना है साइलेंटली। जब लोगो आएगा तब आपको छोड़ देना है, ओके। देखते हैं ये रिकवरी मोड में जा रहा है कि नहीं। चार्ज भी थोड़ा नहीं है फ्रेंड, फिर से मैं एक दफा कर रहा हूँ इसको, नहीं हो रहा है ये। एक दफ़ा फिर से मैं कर रहा हूँ इसको दबाने के बाद, कुछ देर के बाद इसको मैं दबाऊंगा, ठीक है। ये साइलेंट मोड में जब ऑन होगा, ये साइलेंट मोड में आया है तो अभी ये हार्ड रेस्ट हो सकता है, ठीक है। जब तक इसका लोगो नहीं आता है तब तक इस तरह से रहना है, उसके बाद यहाँ पर मरना है, ओके। रेड बटन को दबाने के बाद आपको फिर वेब डाटा फैक्ट्री रेस्ट पे ओके कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा फॉर्मेटिंग डाटा हो रहा है, जो भी पासवर्ड पिन पैटर्न था ये सब फट जाएगा अभी, और अभी सेट को रिबूट कर देना है, ओके गाइस। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ, सेट को रिबूट कर दिया हूँ और इसका जो पिन पैटर्न जो भी था वो अभी फिलहाल हटा या नहीं, ओके। कुछ देर लगेगा ऑन होने के लिए, तब तक आपको वेट करके रहना है। अच्छा अच्छा कि नहीं आगे देखो, ये देखिए इसका साउंड आ चुका है और कुछ ही देर में ये जो है ना, जो हमारा पिन पैटर्न जो भी था वो अभी पैटर्न तो नहीं लगता है इस पर, पिन पासवर्ड जो भी था वो अभी हटाया नहीं, वो देखने वाली बात है। ये देखिए मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और नीचे आके इंग्लिश में करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है, ठीक है, IMEI नंबर भी सही है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और आप न्यू है मेरे चैनल पर, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा।